दोस्तों नमस्ते, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन करी। इसके लिए मुझे चाहिए मटन, प्याज, थोड़े से खड़े मसाले। इसमें मैंने लिया है 2 लाल मिर्च, थोड़े से 2-4 तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला, जिसमें है दालचीनी, लौंग और एक इलायची, छोटी एक बड़ी इलायची। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पिसा हुआ मसाला, जिसमें है गोलकी, जीरा, धनिया, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी नॉर्मल है, हल्दी और नमक, थोड़ा सा आधी और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद है गरम मसाला। चलिए बनाने शुरू करते हैं। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे साबुत मसाले। हमारा मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डाल रहे हैं कटी हुई प्याज। प्याज हमारा थोड़ा देर भून चुका है, प्याज को हम ज्यादा देर नहीं भूनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्च। थोड़ी देर हम मिर्च को प्याज के साथ भून लेंगे, उसके बाद इसमें नमक और हल्दी। हम इसे ऐसे ही लगभग 10 से 15 मिनट तक चलाते रहेंगे। और हाँ, हमें इसे ढककर नहीं पकाना है। इतना देर चलाने के बाद अब हम इसमें डालते हैं आदी और लहसुन का पेस्ट। आदी लहसुन का पेस्ट को भी हम अच्छी तरह से भून देंगे। लहसुन और आदी का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। जब तक इसका पानी अच्छी तरह से नहीं सूखेगा, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तेल छोड़ना शुरू हो गया है, यानी आधी लहसुन अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मैंने लिया है काली मिर्च, जीरा, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़े से नॉर्मल लाल मिर्च। आप मिर्च इसमें अपने टेस्ट के अनुसार डालें। हम इसमें थोड़ा मात्रा में पानी ऐड करेंगे। हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मटन को भून लेंगे और हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे बैठ जाएगा। जब तक मसाले अच्छी तरह से पक ना जाए, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। हमारा मटन अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसे कुकर में डालेंगे। हम एक कुकर लेंगे, कुकर में एक गिलास पानी डाल देंगे। हम मटन को कुकर में डाल दिए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। कुकर के ढक्कन को बंद कर लेंगे और इसे 4 सीटी लगने तक पकाएंगे। देखिए, हमारा मटन करी बन चुका है, अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यदि आप सभी को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के।